हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चाइल्ड वर्ल्ड, बच्चों की दुनिया। और अगर आप हमारे वीडियो पे आए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज मैं बताने वाला हूँ, यह है क्लास 8 के इंग्लिश बुक यूनिट 2 ए, चैप्टर का नाम है काली एंड द रेड स्नेक। तो आज हम लोग इसका क्वेश्चन से करने वाले दोस्तों, तो ठीक है, देख लीजिए आप। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव चेक वन, तो इसमें क्या बोल रहा है, हाउ मच डिड द स्नेक कोऑपरेटिव पे फॉर द ईच पॉइजन स्नेक, यानी जो काली के फादर थे ना उनको हर सांप पे यानी हर एक जहरीले सांप पे कितना रुपया मिलता था। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि अ स्नेक कोऑपरेटिव पे 150 रुपीज फॉर ईच पॉइजनस स्नेक, यानी कि 150 रुपये उसको मिलता था। वेन हैड काली ज्वाइंट स्कूल, काली स्कूल ज्वाइंट कब किया था, 2 मंथ बिफोर, यानी 2 महीने पहले ज्वाइन किया था, ये लिख दीजिएगा आप। इसमें बोल रहा है व्हाट हैड काली बॉट फॉर लंच, लंच के लिए काली क्या ले जाता था, लानी जो काली है वो बॉट फ्राइड टर्माइट्स, टर्माइट्स मतलब होता है दीमक, वह क्या करता था, भुना हुआ दीमक ले जाता था लंच में। तो यहाँ पे हो गया कि दोस्तों क्लियर। अब मैं आता हूँ इसके बाद का जो क्वेश्चन सर है उसको करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा आप, तो बोल रहा है कि Why were the children in the class shouting for help? यानी कि बच्चे वहाँ पे क्यों चिल्ला रहे थे कि बचाओ बचाओ, हेल्प के लिए क्यों चिल्ला रहे थे। Because, यहाँ पे आप because लिखने के बाद आप देखिएगा यहाँ पे, देखिए because there on the roof was a large red snake, क्योंकि रफ छत पे ना क्या था, एक बहुत ही बड़ा धामन सांप था। रेड स्नेक को धामन सांप बोलते हैं, जैसा कि आपको फिगर में यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे है साफ, तो इसलिए चिल्ला रहा था, पहला हो गया। दूसरा में क्या है कि हु वाज सिटिंग ऑन द डेस्क, डेस्क पर कौन बैठा था, टीचर बैठे थे, तो द टीचर सिटिंग ऑन द डेस्क, ये कर देंगे। दूसरा थर्ड में फॉर हुम वेयर द चिल्ड्रन क्लैपिंग फॉर चेयरिंग, किसके लिए चिल्ड्रन बच्चे लोग क्लैपिंग कर रहे थे और चेयरिंग कर रहे थे। देखिए चिल्ड्रन क्लैपिंग एंड चेयरिंग फॉर काली, काली जो नहीं सांप को पकड़ा था ना, इसलिए इसके लिए क्लैपिंग हो रहा था। इसके बाद आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे आपको कंप्लीट करना था। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऑन द फर्स्ट डे स्कूल इच स्टूडेंट हैड द स्टैंड अप, यानी कि जितने भी स्कूल आता था उसे 3 क्वेश्चन पूछा जाता था, पहले उसका नाम, उसके गांव का नाम और उसके फादर का क्या करते हैं वो पूछा जाता था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम दिखा देते हैं 3 थिंग्स है, हिज नेम, हिज हर नेम, द नेम ऑफ द विलेज और उसका फादर क्या करते हैं, यही है, मिल गया आपको। तो वीडियो को थोड़ा सा तो जल्दी करने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें क्या था कि आप क्वेश्चन नंबर 2 में द रेड स्नेक वाज रेप अराउंड द प्लम्बेरा, प्लम्बेरा बीम होता है खजूर का जो बीम होता है लकड़ी, उसको बोलते हैं, ऑन द रूफ, ऑन द रूफ था प्लम्बेरा बीम्स, यहाँ पे देखिए प्लम्बेरा बीम्स ऑन द रूफ, यही चीज़ यहाँ भराया है। नंबर 3 में देखिएगा काली फादर सेड टू द समटाइम्स अ स्नेक स्मेल्ड ह्यूमन एज मिस्टू देन फॉर रेड, पे मिल जाएगा काली के फादर इसको बताए थे काली को। देखिए यहाँ पे काली फादर सेड द समटाइम्स अ स्नेक स्मेल्ड ह्यूमन एंड मिस्टुक, मिस्टुक मतलब समझ लेना, देन फॉर रेड, यानी इंसानों को चूहा समझ लेता है उसके गंध से, ये भी हो गया है। अब यहाँ पे है, यहाँ पे 4 में देखिए एंड द चिल्ड्रेन स्टार्टेड क्वारलिंग अबाउट, किस लिए लड़ रहे थे बच्चे लोग, क्योंकि काली ने एक शाबाशी वाला काम किया था और काली को सब कोई अपने बगल में बैठाना चाहता था, ठीक है। यहाँ पे आपको ये देखिए यहाँ मिल जाएगा, अंडरलाइन मैंने कर दिया है, चिल्ड्रन स्टार्ट क्वेरलिंग अबाउट द होम काली वोल्ड सीट नेक्स्ट टू, यानी इसके बगल में बैठे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 10 चिल्ड्रन रन ऑफ, 10 बच्चे क्या होते हैं दौड़ने लगे थे। अब ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इन 10 डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है, कूदने लगे थे, टू फाइंड बैग्स, यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ऑफ द डिफरेंट डायरेक्शन टू फाइंड बैग्स, यहाँ तक हो गया कम्प्लीट। अब देखिए द इंग्लिश टीचर थ्रू काली आउट इन ऑफ द क्लास, क्या इंग्लिश टीचर ने काली को बाहर निकाल दिया था, नहीं, काली लिव्ड इन कनाथुर विलेज, बिल्कुल कनाथुर विलेज में रहता था काली, जब अपना वो इंट्रोडक्शन दे रहा था काली तो अपने बताया था। यहाँ पे देखिएगा, हाँ काली बोलता है माई विलेज इज कनाथुर, यहाँ पे दिखा आपको, और यहाँ पे तो सही बात है, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, काली वाज फर्स्ट एफर्ट टू कैच द रेड स्नेक, गलत, यानी कि रेड स्नेक को पकड़ने से वो डर गया था पहले, क्या नहीं, द चिल्ड्रन रन इन द ऑल डायरेक्शन टू ब्रिंग ए रोप, क्या सभी डायरेक्शन दौड़ रहा था रस्सी लाने के लिए, क्या ये भी गलत है, ठीक है।
एवरी वन वॉज क्लैपिंग एंड चेयरिंग फॉर काली, काली के लिए सभी कोई तालियां बजा रहे थे और चेयरिंग कर रहे थे। बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन सर दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर व्हाट डिड कालीज फादर डू फॉर ए लिविंग, यानी कि वह अपने जीवन यापन के लिए क्या करते थे। काली फादर क्या करते थे, कैच अ स्नेक फॉर ए लिविंग, यानी कि रहने के लिए क्या करते थे, सांपों को पकड़ा करते थे। व्हाई डिड काली हैट गोइंग टू स्कूल, काली को स्कूल जाना क्यों पसंद नहीं था। बिकाउज यहाँ पे देखिएगा, बिकाउज अब नंबर टू है तो आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, जिसे आप आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे टू लिखा हुआ छोटा सा दिखाई दे रहा होगा। इट बिकाउज लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे इट्स बीन टू मंथ सिंस ही यहाँ पे लिखे हैं ही ज्वाइंट अ स्कूल बट आई डोंट हैव ए सिंगल फ्रेंड, क्योंकि उसके पास देखिए 2 महीना हो गया था फिर भी उसका कोई दोस्त नहीं बन पाया था, इसलिए उसे स्कूल जाना पसंद नहीं था। ठीक है, अब नंबर थर्ड में आपको दिखाता हूँ, वेयर डिड काली सीट ड्यूरिंग ब्रेक टाइम एंड वाई, कहता है कि जब ब्रेक टाइम होता है तो काली कहाँ पे बैठता है और क्यों बैठता है। ठीक है, ब्रेक टाइम मतलब लंच टाइम है, तो लंच टाइम में बता देते हैं कहाँ पे बैठता है, वो वॉल पे बैठता था। ठीक है, दीवार पे बैठता था और क्यों बैठता था वो भी मैं बताने वाला हूँ आपको, तो वीडियो पे बने रहिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा ही सेट ऑन द वॉल, वह वॉल पे बैठता था, दीवार पर लंच करता था। बिकॉज हिज लंच बॉक्स इन फ्राइड टर्माइट, क्योंकि उसके लंच बॉक्स में क्या होता था कि भुना हुआ दीमक रहता था, टर्माइट मतलब दीमक होता है, यहाँ पे लिख दिए टर्माइट दीमक, तो इसलिए वो सबके साथ नहीं करता था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आप देखिएगा, हाउ डू यहाँ पे देख रहे हैं ना, हाउ डिड द रेड स्नेक कम इन टू द क्लासरूम, अब बता रहा है कि पूछ रहा है कि क्लासरूम में वो रेड स्नेक कैसे आया होगा। अब वो उसका आंसर आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे आया होगा। यह नंबर फोर है, देखिए, इट मस्ट हैव अ स्मेल रेट ऑफ द रूफ टाइल्स कम एंड कम ऑप्टेन देम बाय मिस्टेक, इट हैड टेकन ए रोंग टर्न टू कम इन टू द क्लास इंस्टेड, मतलब कि वो क्या हुआ होगा कि चूहा जो वहाँ पे होगा ऊपर में, तो उसके गंध से वो यहाँ पे आ गया होगा बाय मिस्टेक से। ठीक है, क्योंकि इंसान की जगह सांप को इतना पसंद है और ना इंसान को सांप के पास जाना पसंद है, क्योंकि दोनों को खतरा है एक दूसरे से, इसलिए यह बाय मिस्टेक से आया था। ठीक है, चलिए दोस्तों इसके बाद है लास्ट पांचवा क्वेश्चन जो है, यहाँ पर आप देखिएगा कि व्हाट डिड काली प्लान टू डू विथ द स्नेक, यानी काली का क्या प्लान था जब काली ने सांप को पकड़ लिया था, बैग में रख लिया था, तो उसका क्या प्लानिंग था कि क्या करना है उसको। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, उसने प्लानिंग किया था, ही डिड टेक इट, वह सोचा कि उसे घर ले जाऊंगा पिताजी के पास, टू द कहाँ पे, बंदलूर जू, बंदलूर जू के नियर में, जो चेन्नई के नियर है बंदलूर जू, वुड पे ए गुड प्राइस फॉर रेड स्नेक, यानी कि इस रेड स्नेक के लिए मुझे अच्छा पैसा देगा। रेड स्नेक मतलब क्या होता है दोस्तों, धामन सांप का बोलते हैं रेड स्नेक। ठीक है, ही डिड बाय हिज बेबी सिस्टर ए न्यू ड्रेस, वो अपने छोटी बहन के लिए एक नया ड्रेस खरीदना चाहता था, इसलिए उसे बेचना चाहता था। यहाँ पे 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे अरेंज करना है, यानी कि जिस तरह ये जो हुआ है ना घटना, उसी को आप लोग कर लीजिए। यहाँ नंबर दे दिए, पहला ये लिखिएगा, दूसरा में ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, और लास्ट में 6 ये। यहाँ पे मैच करना है, आप देखिएगा, फार्मर, फार्मर क्या है, जो क्रॉप्स को खेत में उगाता है। वेटनरी डॉक्टर होता है, एनिमल्स का डॉक्टर होता है, जो बीमार एनिमल्स को देखता है। फ्लोरिस्ट होता है, जो फ्लावर को सेल करता है। ग्रोसर वह होता है जो अनाज को सेल करता है, जैसे चाय है, शुगर, ये सब चीनी सब है ना। और कॉन्फेक्टिनियर क्या होता है, वन हु सेल स्वीट्स, जो मिठाई उठाई बेचता है, टॉफी चॉकलेट वॉकलेट, तो ये होते हैं। तो यहाँ पे हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे देखिएगा आपको ओड वन को आउट करना था, लेकिन इंडिया है, नेपाल और पाकिस्तान, ये सब एशिया में आते हैं, लेकिन फ्रांस और न्यूयॉर्क जो है ना अदर कॉन्टिनेंट में आते हैं, इसलिए इन दोनों को आउट कर दिए। इसमें देखिएगा सानिया मिर्जा, पी वी सिंधु, अब यहाँ पे है एम एस धोनी, सचिन तेंदुलकर, और यहाँ सलमान खान दिया। देखिए ये सब जितने भी हैं ये खिलाड़ी है, लेकिन सलमान खान क्या है, एक हीरो है, अभिनेता है, इसलिए ये अंडरलाइन हो जाएगा। देखिए पेड़ है, ट्री है, सॉल्ट नमक दे दिया है, फ्रूट है, ग्रास से लीव्स, ट्री देखिए ये सब जितने भी है पेड़ पौधे के ही भाग है, ट्री है, लेकिन सॉल्ट होता है, नमक होता है, डस्टर है, बुक है, ब्लैक बोर्ड है, चार्ट है, ये सब पढ़ाई लिखाई में काम आता है, लेकिन कैट ये एक जानवर है, ये अलग हो जाएगा। हैप्पी, सैड, एंग्री और एफर्ट,
और पेन, देखिए पेन को छोड़कर बाकी सब ये सब फीलिंग है, लेकिन पेन एक स्टेशनरी आइटम है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने इंटरेस्टिंग भार दिया हुआ आपको यहाँ पे, ठीक है, स्टोरी है। अब आपको यहाँ पे जितने भी भार, भाई भार किसको बोलते हैं, जिस क्रिया को बोलते हैं जिसे काम होना, कैचिंग हो गया, स्टैंड है, गोइंग है, राइटिंग है, वॉल्व है, एंग्री, ये सब भार भार आप भर लीजिएगा। अब इसमें फिल इन द ब्लैंक था, द रूम इज अ स्मेल ऑफ जेगरी, यानी कि जो रूम था ना जेगरी का स्मेल से, जेगरी मतलब होता है गुड़ दोस्तों, यहाँ पे आप भर लीजिएगा। टाइम बहुत ज़्यादा, वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए आप देख लीजिए। पहला में स्मेल भरिएगा, दूसरा में सरप्राइज भरिएगा, तीसरा में गिफ्ट भरिएगा, चौथा में टम्बलेट भरिएगा, और पांचवा में आप भर दीजिएगा ग्रेनेड भरिएगा, और छठा में भरिएगा गीगल। गीगल मतलब हंसना होता है, मुस्कुराना होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं ऐसे वीडियो में। बाय बाय।